Hi everyone, I hope you guys are doing well and your preparations are going in full flow. Today I am here to talk about the free course that has been launched on YouTube for industrial relations part of APFC and EPFO examination. A lot of students, number one, have been asking about industrial relations, and I witnessed and I saw firsthand that there is not good enough content as well as videos available on industrial relations on YouTube. Although I had already covered industrial relations almost one and a half years back completely over YouTube, but I intend to cover it yet again. The timetable for this industrial relations will be will be shared with you very soon in this video itself. So stay tuned for a while. I also want to talk about a big concern of a lot of students, that is that I had promised and I had provided the entire course content for free for APFC, but the same has now been made into paid course. What is the reason behind it?

और वो वहां से पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज पेड तो उनको लगता है कि हमने क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है दो तीन हजार रुपये दिए दस हजार रुपये दिए तो यहां से पहले पढ़ लेते हैं ये फ्री का कोर्स तो अवेलेबल है ही कभी बाद में पढ़ लेंगे फ्री है तो शायद इतना अच्छा भी ना हो सो देर इज ऑफन अन्शन एंड वी एज ह्यूमो टेन टू बी मोर कमिटेड टूवर्ड्स थिंग्स डेट बी इन्वेस्टेड अब या तो इन्वेस्टमेंट वो टाइम में होता है या फिर पैसे में होता है या किसी और चीज में होता है जैसे कि अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो अपने बॉयफ्रेंड में या गर्लफ्रेंड में तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है एट द सेम टाइम यू टेन टू मेक एन एफर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड टाइम तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम होगी और आप कुछ ज़्यादा सोचोगे भी नहीं अगर कुछ खराब हो जाता है तो सिमिलरली यहाँ भी हमने यही विटनेस किया तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चाहे कम स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा लेकिन फ्री में बिल्कुल पूरा कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे खाली मेरा लॉस नहीं है उससे स्टूडेंट का भी लॉस है क्योंकि आप यहाँ से पढ़ते पढ़ते सोचते हो कि ये फ्री है कहीं और से पेड उठा लेता हूँ वो उठाते हो फिर वहाँ से पढ़ते हो फिर लगता है ये अच्छा नहीं है एंड देन खिचड़ी हो जाती है सो इंस्टेड वाई नॉट केटर केटर टू सम स्टूडेंट जो कि सीरियसली पढ़ें और इस कोर्स को लेकर तैयारी करें आई वॉन्ट टू मे माई ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर जैसे ही ए का नोटिफिकेशन आया था मेरा ऑब्जेक्टिव तब से क्लियर है कि, कि किसी तरह से स्टूडेंट्स को क्लियर कराना है माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू हेल्प यू अपेयर इन द एग्जामिनेशन बट टू हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन तो उसमें मैंने एक एम सी क्यू सीरीज स्टार्ट किया बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया इन दे सैड सर हमारे तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं है हम यू पी एस सी वाले नहीं हैं तो हमारे लिए एमसी क्यू सीरीज बेकार हो रही है कोई फायदा नहीं हो रहा है तो so, मुझे लगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो एक्चुअली फुलफिल नहीं हो रहा है इस एम सी क्यू सीरीज से प्रॉबली वन मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन इट वाइट माइट वी द राइट थिंग टू डू बट नॉट राइट नाउ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि ज्यादा सस्टेनेबल हो और सही हो और स्टूडेंट को एक्चुअली एग्जाम क्लियर करने में हेल्प भी करे इसलिए एक टाइम टेबल क्रिएट किया गया पिछले तीन चार दिन में जिसमें पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें सारे एक्ट मैंशनड हैं वो मैं भी शेयर करूंगा अगले पांच मिनट में आप लोगों के साथ और उसको मैं कंप्लीटली YouTube पे पढ़ाऊंगा जिससे कि एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी वाले भी नॉन यूपीएससी वाले भी जिनको समझ आएगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे कवर कर सकते हैं उनको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन सेकेंडली आपको यह भी समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ मेरा स्टाइल क्या है मैं किस तरह से कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद जितना भी कोर्स कॉन्टेंट होगा वो पेड होगा आप अभी भी ले सकते हैं एक महीने बाद भी ले सकते हैं एक महीने का टाइम टेबल बनाया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बाद जो भी कवर होगा वो भी मैं टाइम टेबल में अभी अगले दो तीन मिनट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से पूरा सिलेबस एक एक करके मैं खुद ही कवर करूंगा आपको सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके पढ़ाए जाएंगे बहुत जल्दी ही एक ईपीएफओ और ईपीएफसी की एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एग्जाम किस लेवल का होता है और किस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी ठीक है तो इसके साथ मैं टाइम टेबल शेयर करता हूं अभी आपके साथ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये फ्री कोर्स किस तरह से चलेगा टाइम टेबल किस तरह से होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस आप मेरे साथ किस तरह से कवर कर पाएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बाद जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो कि पेड होंगे वो किस तरह से मैं कवर करने वाला हूँ वो भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा आई होप यू विल लाइक द टाइम टेबल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली सो हेर इज द एंटायर टाइम टेबल दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एज सेड आई विल बी स्टार्टिंग विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस ओवर यूट्यूब

साढ़े बारह तक भी खींचें बट लंबी क्लासेस होंगी बिकॉज द टारगेट इज टू कवर इंडस्ट्रियल रिलेशन विद इन थ्री मंथ्स विद इन वन मंथ इसके बाद हम लोगों को क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी उठाने हैं तो इसीलिए हम कवर uh, करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक महीने में अब इसके अंदर क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं लेट्स हैव अ लुक एट दैट इस टाइम टेबल को क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगा है बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज से अच्छे से छाना है तब जाके ये मिला है आई हैव डिवाइडेड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन टू आई थिंक फाइव सिक्स पार्ट्स अगर देख सकें यहाँ पे टोटल छः पार्ट्स हैं लेबर कोर्स तक के उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर है वो कॉन्सेप्चुअल है तो दो पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिवाइड किया है एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया और एक लॉस से रिलेटेड पार्ट हो गया आई विल भी स्टार्टिंग विद द पार्ट बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जाएंगे इसको इन छः पार्ट्स में क्या क्या लॉज हैं नंबर वन लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ ऑफ वेजस लॉ ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेश लेबर लॉज एक्ट एंड लेबर कोड्स ये टोटल छः डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं एक्ट्स के अब इनके अंदर हम लोग कौन कौन से एक्ट्स कवर करके बता करेंगे ये बता देता हूँ मैं अगेन uh, ये सारा यूट्यूब पर कवर होगा लेकिन इसके बाद जो भी कवर होगा आफ्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन वो सारा लाइव कोर्स के अंदर पेज स्टूडेंट्स के लिए कवर्ड होगा लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन के अंदर टोटल आठ एक्ट्स हैं जिनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं फैक्ट्रीज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट माइंस एक्ट इन सब के मैं नाम बहुत डिटेल में अच्छे से एक और सेशन में बताऊँगा जिसमें मैं पूरा सिलेबस इंडस्ट्रियल रिलेशन का डिस्कस करूँगा बिकॉज देर आर सो मेनी एक्ट्स ऐसे ही एट एक्ट्स यहाँ पर हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में जाओगे तो पाँच एक्ट्स वहाँ पर हैं इफ़ यू गो डू लॉ ऑफ वेजिस यू विल सी फोर एक्ट्स देयर सोशल सिक्योरिटी लेजिशन में देर आर टोटल ऑफ इलेवन एक्ट्स तो टोटल ट्वेंटी एट प्लस एक्ट्स बन रही हैं ये और उसके साथ साथ लेबर कोड्स भी हैं तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एक्ट बनती हैं उनको हमने कंपाइल कर दिया है अब लेबर कोड्स के अंदर बट एग्जाम में पुराने एक्ट से भी पूछे जा सकते हैं ऑल एक्ट्स that, उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एबसेंटिज्म ये सारी चीज़ें कवर होंगी और हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे ये सारा एक महीने में कवर करने का प्लान है जिसके बाद आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस दोनों यहाँ पर कवर हो जाएंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं सोशल सिक्योरिटी से लेके uh, से रिलेटेड वो अलग से कवर होंगी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हमने देखा है बहुत सारे आ रहे हैं फिर हम लोग कवर करेंगे अकाउंट्स अकाउंट्स को भी इस तरह से कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है टोटल ऑफ ट्वेंटी सिक्स चैप्टर्स इसका जो पीडीएफ है इस पूरी पीपीटी का ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो ये चैप्टर्स भी कर लोगे तो काफ़ी है इसमें पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड वेल क्रिएटेड मैंने कर दिया है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट उसके बाद कवर करेंगे 2021 में जो ई पी हुआ था उसमें काफी क्वेश्चंस थे इस बार और भी ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं दैट इज वाई आई एल बी कवरिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन मोर डिटेल्स दिस इज ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी देर आर टोटल ऑफ फोटी फोर्टी चैप्टर्स काफी लंबा है बट हर चैप्टर बहुत लंबा नहीं होगा इसलिए हम इसको जल्दी कवर कर पाएंगे देन आई मूव टूवर्ड्स पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस जिसको हमने टोटल 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया है हिस्ट्री जो है वो uh, हमारी एक फैकल्टी हैं स्टेज आउट ऑफ डेली सो शील बी कवरिंग हिस्ट्री सेपरेटली फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क इटसेल्फ। सेल्फ इसीलिए हिस्ट्री को हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देंगे लेकिन रेगुलरली देंगे जैसे एटीनथ मार्च इज द फर्स्ट टारगेट जिसमें हमको एंशियट हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करना है इस तरह से हमने कुछ टारगेट्स बना लिए हैं और उन टारगेट्स के बेसिस पे मैं आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ओके सो बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री शी इज अ यूपीएससी टीचर सो शी विल बी अ बेटर पर्सन टू टीच यू हिस्ट्री इन मोर डिटेल सो शील बी कवरिंग हिस्ट्री फॉर यू इकोनॉमी मैं उसके बाद उठाऊंगा जिसमें मैंने टोटल थर्टी वन थर्टी टू चैप्टर्स में पूरा इकोनॉमी डिवाइड किया है आई विल नॉट विल ओनली बी कवरिंग पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन जो कि सिलेबस में मैंशन है आई विल वी कवरिंग द एंटायर इंडियन इकोनॉमी बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चंस हमने देखे भी हैं ऐसा नहीं है कि खाली ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है इसलिए पूरा कवर करना जरूरी है सो हेर इज़ अ डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज इफ यू फील दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विद मिनिमल वर्क या फिर कम मेहनत करके शॉर्टकट्स के थ्रू तो नहीं हो पाएगा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है बट इट डजेंट मीन कि आप uh, काम या मेहनत करना ही छोड़ दो ओके okay? तो मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा यूपीएससी लेवल तक जाके बिकॉज उस लेवल के क्वेश्चन हमने देखा है कि आ रहे हैं उसके बाद आई एल बी कवरिंग साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको बहुत ब्रीफली कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बट वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस एज वेल बेसिक बेसिक पता होना चाहिए इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स करेंट अफेयर्स इंग्लिश कंप्यूटर्स ये सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे करेंट अफेयर्स को लेके देर इज एन अनाउंसमेंट करेंट अफेयर्स आई एल बी कवरिंग वंस एवरी मंथ उसमें मैं विजन या इंसाइट्स ऑन इंडिया जो भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको ही उठाऊंगा और उनसे उनको अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ पेज के वो होते हैं उनको डिटेल में कवर करूंगा दो या तीन क्लासेस में जिससे कि आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओ कि करंट अफेयर्स में उस मंथ में क्या क्या हुआ आई थिंक दैट विल बी मोर देन अनफ फॉर ए पी एफ सी एंड डी पी एफ ओ उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है वो कर लोगे तो हो जाएगा स्पॉटलाइट नेहा मैम बहुत सालों से कवर करती आ रही हैं शिल बी कवरिंग स्पॉटलाइट ओनली वो अच्छे से करती हैं मंथ में एक बार उससे आपका काम स्पॉटलाइट से भी क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स में स्पेशली मैंने देखा क्वेश्चंस आए हैं स्पॉटलाइट से तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा आपका ओके सो दिस इज द एंटायर टाइम टेबल फॉर दिस इज द एंटायर टाइम टेबल फॉर ए एंड डी अगेन इसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो यूट्यूब पर कवर करूँगा फॉर फ्री बट आफ्टर दैट जो भी कोर्स है वो पेड होगा ठीक है अभी भी एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो बाद में करना चाहो बाद में भी कर सकते हो डिसीजन uh, जो लिया गया है टू मेक श्योर कि हम लोग बार बार चेंज नहीं कर रहे अपनी स्ट्रैटेजी क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की तब रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ एक बार पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक साल पहले डेढ़ साल पहले उतने सीरियसली नहीं पढ़ा जितना वो अब पढ़ रहे हैं इसलिए एम सी क्यू सीरीज़ ना चला के दिस मेक्स मोर सेंस फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ वाई आईव डिसाइडेड टू मूव इन टू दिस एज़ वेल ठीक है इस तरह से पूरे अगले चार से पाँच महीने में सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा यू पी एस सी लेवल तक उठा के लेके जाएंगे और कवर करेंगे जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सको सेलेक्शन कराना है खाली आपको एग्जाम में अपीयर कराना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ओके इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन वेरी वेल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज देयर देर विल सी यू वेरी सून गाइस विद लाइव सेशंस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस टिल देन टेक केयर बाय